फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल संवाद जानवी में। और इस समय मैं जो हूँ बद्रीनाथ धाम में हूँ। बद्रीनाथ धाम में जो है लगातार बर्फबारी हो रही है और इस सब के बीच जो है उत्तराखंड के चारों धाम जो है श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और हम भी यहाँ पहुंचे हैं। हम आपको यहाँ मिलवाते हैं अमृतानंद बाबा से, जिनको बर्फानी बाबा भी कहते हैं। इनके पास कई शक्तियां हैं कहते हैं। इन्होंने जो है 16 साल तक बद्रीनाथ में बर्फ में रहकर तपस्या की है। क्या रहस्य है इसके पीछे और कैसे वो बर्फ में रहते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहली बार आपको दर्शन कराते हैं बाबा बद्री के। क्लिप इधर आ रहा है इस समय ये देखिए बद्रीनाथ का नज़ारा। इस समय आप देख रहे होंगे ये जो हेलीकॉप्टर इस प्रतिकूल मौसम में भी मंडरा रहा है। ये पुष्कर धामी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो पुष्प वर्षा इस समय चारों धामों में की है उस पुष्प वर्षा के लिए ये हेलीकॉप्टर यहाँ पर घूम रहा है। और आप देख सकते हैं इस समय जो दर्शन जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं, श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा होगी। और आप देख सकते हैं कि ये पुष्प वर्षा के लिए ये हेली यहाँ पर देखिए पायलट बाबा का कृपा पात्र बाबा बर्फानी स्वामी अमृतानंद गिरी विगत 18 वर्षों से बद्रीनाथ धाम में निवास है। 12 वर्ष कंटिन्यू 12 महीने बर्फों में साधना रत रहे। अब यहाँ की जो महिमा है बद्रीनाथ धाम की, जो महिमा है अपार है। ये शिव क्षेत्र है, शिव पार्वती का क्षेत्र है। भगवान विष्णु जी ने सहस्त्रबाहुओं को मारने के लिए इस स्थान को भगवान भोलेनाथ से याचना किए
और उन्हें मिला। और बद्री विशाल जी आज भी भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के सुख सुविधा के लिए, भगवान हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आज भी तप में लीन हैं, समाधिस्थ हैं। जो भी यहाँ भक्त आते हैं बद्रीनाथ धाम में, हर मनोकामना पूर्ण होती है। महाराज जी, आप को क्या ऐसा लगा कि आप अपना घर बार छोड़ करके और इस भूवैकुंठ धाम में आ गए और साधना में लग गए, ऐसा क्या क्या मन में प्रेरणा आई? देखिए, ये पूर्व जन्मों का संस्कार कह लीजिए, हमारा पुण्य है, हमारा पुण्य था, हमारा संस्कार था, जो घर परिवार छोड़ा नहीं जाता है, छूट जाता है। जब हम अपने जन्मभूमि से वेस्ट बंगाल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे, उस समय पिताजी वृद्ध हो गए थे, तो बैराग हुआ मन में। ऐसा मन में हुआ कि जब हमारे माता पिता नहीं रहे तो हम भी एक दिन, हमारा भी समय भी चले जाएंगे, शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो चले हम भगवान का भजन करते हैं, भजन करेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान भोलेनाथ का भजन करेंगे। ये मन में विचार सोच करके और हम वेस्ट बंगाल से सीधा हरिद्वार आए, और हरिद्वार में हम 2 वर्षों तक एक छोटी सी कुटिया बना करके गंगा किनारे और रहे और कीर्तन भजन करते रहे। जब वहाँ से किसी संत के माध्यम से महाजोगी पायलट बाबा जी का संपर्क हुआ, उनसे दीक्षा हुआ, 2000 उस समय हमारा आयु होगा 20-22 की आयु होगी, तो उनसे दीक्षित हुआ, दीक्षा मिला हरिद्वार में। दीक्षा मिलने के बाद फिर 2004 में महा उज्जैन कुंभ में हमारा संस्कार हुआ, विजय हवन जिसको कहते हैं, संस्कार जिस तरह से एक मूर्ति को संस्कार किया जाता है उस तरह से संस्कार होता है, वो महाकुंभ में ही होता है संत का। तो वहाँ से फिर हम नैनीताल आश्रम में गए, नैनीताल आश्रम से हमारे गुरु भाई लोग आ रहे थे बद्रीनाथ, तो हमारा भी मन में ऐसा कि आया कि हम बद्रीनाथ हम भी चलेंगे, तो उनसे बोला, तो बोले कि आप गुरु जी से आज्ञा लेना होगा। फिर गुरुदेव से आज्ञा लेकर के सीधा मैं 2000 यहाँ बद्रीनाथ धाम में आए, और यहाँ आने के बाद जब आए तो हमारा मन यहीं बद्री विशाल जी के चरणों में रह गया, यहीं लग गया मन। ऐसा लगा कि बद्री विशाल जी अब यहीं हमारे, ये जो वैकुंठ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, यही हमारा घर है। तो ये पूर्व जन्मों का हमारा तपस्थल ही रहा होगा, जो आज हम इस स्थान पर अभी भी हम बैठे हैं और साधनारत हैं। तो ये जो भूमि है बहुत वाइब्रेशनशील है, और तपोभूमि इसको कहते हैं, भूवैकुंठ धाम कहते हैं। ये सतयुग से भगवान विष्णु जी का पूजा अर्चना चलती आ रही है और हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं भक्तों। ये यहाँ जो रहते हैं, यहाँ की जो महिमा है, जो महत्व है, उसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो भी यहाँ आते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, जो भी दान पुण्य करते हैं, वो 10,000 गुना का फल मिलता है, क्योंकि ये क्षेत्र ही ऐसा है, ये दिव्य स्थान है, ये शिव जी का तपोस्थल ही है, और यहाँ समस्त देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, ऋषि, मुनि सभी आज भी विराजमान हैं, और आज भी देखने को मिलता है, अनुभव करने को मिलता है, अनुभव होती है, हर तरह की घटनाएं घटती रहती है। कभी ज्योति रूप में इस पर्वत से उस पर्वत पे कभी जाते हुए दिखता है किसी, जिसका संस्कार हो, जिसका पुण्य हो, दिखता है। और आज भी ऋषि मुनि जो हैं, हजारों हजार वर्ष गुफाओं में, कंदराओं में, तप में, समाधि में समाधिस्थ हैं। तो ये क्षेत्र मामूली क्षेत्र नहीं है, ये पृथ्वी क्षेत्र एक ऐसा भूवैकुंठ है, अष्ट वैकुंठों में एक भूवैकुंठ के नाम से जाना जाता है, 8 वैकुंठों में ये गिना जाता है। तो ये साधारण क्षेत्र नहीं है, जो भी यहाँ आता है उसका जीवन सुधर जाता है, वो धन्य हो जाता है उसका जीवन, और वो कभी जो कहते हैं कि जो आए उधरी वो ना आए कभी उधरी, अर्थात मतलब जो एक बार बद्रीनाथ धाम आ जाता है वो माँ के उदर में कभी नहीं आता है।
तो ये क्षेत्र का जो महिमा है बहुत ही अद्भुत है, बहुत विशाल है। महाराज जी, ऐसा भी सुना कि आप 12 वर्षों तक एक भी क्षण बद्रिकाश्रम से बाहर नहीं निकले और लगातार मतलब पूरे वर्ष भर जब यहाँ भगवान नारायण की पूजा नारद ऋषि करते हैं तब भी आप यहीं रहे, तो पूरे इस जो 12 वर्षों के काल में आपको मतलब कैसी अनुभूति होती है, उस समय बद्रिकाश्रम कैसा रहता है? देखिए, ये सबसे पहले तो बद्री विशाल जी की असीम कृपा है जो हम 12 वर्षों तक कंटिन्यू, जैसे 6 महीना बद्रीनाथ जी का कपाट बंद रहता है और बद्रीनाथ 6 महीना खुला रहता है भक्तों के लिए, 6 महीना नारद जी से, भगवान नारद जी से पूजा किया जाता है, देवी देवताओं से पूजित होते हैं, और 6 महीना नर से पूजा किया जाता है, यानी रावल नम्बूत्री से पूजा किया जाता है। तो 6 महीने के जो दौरान, यानी नवंबर में बंद होते हैं, अभी 19 को बंद हो जाएंगे, और 6 महीना जैसे बंद रहते हैं और मई में खुलते हैं, तो 6 महीना जो बर्फबारी होती है बंद के दौरान, जो बर्फबारी होती है, यहाँ कोई भी नहीं रहते हैं, उसमें किसी का अलाउड नहीं रहता है, सिर्फ आर्मी आईटीबीपी रहते हैं और कुछ पुलिस लग रहते हैं, कुछ संत रहते हैं, तो परमिशन लेकर के रहना पड़ता है। तो उस समय का जो अनुभव होता है, जो अनुभूति होती है, जो जो देखने को मिलता है, जो शांति होती है, जो साधना में तपस्या में जो उन्नति होती है, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल सुनसान हो जाता है, एक पंछी तक भी यहाँ रहते नहीं हैं, सभी लोग चले जाते हैं, गांव वाले जो हैं, जो भी दुकान मकान वाले हैं, सभी चले जाते हैं नीचे, और उस दौरान किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो साधना में हम बैठते हैं, जैसे ही हम बैठते हैं ध्यान भजन में, वो मन अंतर्मुखी होता है, अंदर की ओर चली जाती है, और समाधि अवस्था में, और इतनी आनंद आती है, इतना भजन साधना में मतलब अनुभूति होती है कि हम कह नहीं सकते हैं। जो अधिक यहाँ ऊर्जा है, वो उसका अनुभव प्रत्यक्ष रूप से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभूति होती है। यहाँ नारद जी रहते हैं, यहाँ गरुड़ जी रहते हैं, घंटा कर्ण देवता यहाँ माना में जो रहते हैं, घंटा कर्ण वहाँ से आते हैं, भगवान का यहाँ क्षेत्रपाल जिसको कहा जाता है, वो हमेशा यहाँ यक्ष किन्नर गंधर्व सभी रहते हैं। तो कभी कभी ऋषि मुनि इस उस सुनसान अवस्था में आते हैं, कुंड में स्नान करते हैं, हमेशा चलती रहती है कुंड, 12 महीना 24 आवर्स जो गर्म का पानी है वहाँ चलता रहता है। तो हमारा जो टाइम था उस समय का, बर्फ के टाइम का, 3 बजे का 4 बजे का, तो हम लालटेन लेकर के, क्योंकि बिजली और पानी नेटवर्क सभी कट हो जाते हैं, पूरी व्यवस्था खाने पीने की रखा जाता है, और किसी तरह का मतलब वहाँ सुविधा नहीं उस समय रहता है, सभी बंद रहते हैं। तो हम जाते हैं स्नान करने, तो वहाँ हलचल कभी कभी महसूस होता था पानी में, कुंड में, कभी खिड़की में हम साधना रत हैं तो कभी आवाज में टक टक की, इस तरह से अनुभूतियां होते, कभी ज्योति का इस पर्वत से उस पर्वत पे आता आ जाता है, और हर तरह का मतलब घटनाएं घटती रहती है। महाराज जी पे क्षेत्र है, महाराज जी जब यहाँ ये 3-4 महीने बर्फबारी रहती है जी, उस दौरान का दृश्य कैसा रहता है? मतलब ये समझिए कि पूरी तरफ, क्या पूरी तरह बद्रीपुरी पूरी तरह बर्फ की चादर से ढक जाती है क्या? बिल्कुल, जैसे चांदी का परत होता है, जिस तरह से चमकती है चांदी, कभी कभी सोने के जैसा मुकुट जैसा दिखता है, सुबह के टाइम में नीलकंठ आप देखेंगे सुबह के टाइम में, तो पूरा स्वर्ण जैसा दिखेगा, बिल्कुल चारों तरफ सफेद ही सफेद दिखता है चांदी के जैसा, बिल्कुल शांत भाव रहता, शांत वातावरण रहता है, किसी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं रहता, वो अपने आप में एक अलग अनुभूति रहती होगी, क्योंकि चारों तरफ न पंछी न किसी तरह की हलचल, और केवल सफेद चादर सी दिखती है, और जब चांदनी रात होती होगी तो उसका नजारा अलग होता है, और जब सूर्योदय, हाँ, जैसे सूर्योदय होता होगा तो उस समय का दृश्य भी बहुत मन को लुभाता होगा महाराज जी।
तो ध्यान बहुत अच्छा लग जाता होगा। जी बिल्कुल, मन अंदर की ओर चला जाता है, ध्यान में बहुत आनंद ही आनंद आता है। तो उस समय का कहना हम इतना आनंदमय होता है कि आप कह नहीं सकते, मैं कह नहीं सकता। ये हैं हमारे साथ बाबा अमृतानंद जी महाराज, जिन्हें बर्फानी बाबा के नाम से भी यहाँ जाना जाता है, और पिछले कई वर्षों से साधना के पश्चात 12 वर्षों तक लगातार यहाँ पर साधनारत रहे, एक भी क्षण बद्रीपुरी से बाहर नहीं गए। और अब वर्तमान में महाराज जी 6 महीने यहाँ भूवैकुंठ धाम में साधना करते हैं और 6 महीने भगवान नारायण के प्रतिनिधि के रूप में पूरे भारतवर्ष में अनेक दिव्य स्थानों पर, देव स्थानों पर और उसके अलावा किसी सिद्ध स्थान पर जा करके अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। जय बद्री विशाल, जय बाबा अमृतानंद जी महाराज। चैनल पर उत्तराखंड की लोक संस्कृति जो है उसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके संदेश लगातार मुझे मिल रहे हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन मैं आपसे लगातार अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ उत्तराखंड की लोक संस्कृति को जानने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।